नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर राज्यपाल प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत दे दी है। इसके बाद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा और पार्टी के पूर्व विधायकों सहित एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जाएगा। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त को राज्य से विशेष दर्जा हटाने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो हरियाणा में हुए टिकट बंटवारे को लेकर कुछ समय से पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरए में हो रही पेड़ों की कटाई के पक्ष में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के लिए भी पेड़ काटे गए थे, उस समय में भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि देश में विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ होना चाहिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आरए कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई मेट्रो 3 के अधिकारियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भेज देना चाहिए, न कि पेड़ काटने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत वनों को काटकर अभी यूएन में पर्यावरण को बचाने के लिए कही गई अपनी बात को झुठला रहा है। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मुद्दे पर प्रशासन और पर्यावरण प्रेमी आमने सामने आ गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आरे से जुड़ी याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात से ही पेड़ काटने का काम शुरू हो गया, जिसके बाद वहां जबरदस्त प्रदर्शन जारी है और लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लगभग 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी हिरासत में ले लिया गया है। भारत के लिए जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की ओर से एक झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर में मानवीय संकट को समाप्त करने की अपील की है। इस संशोधन के प्रस्ताव को सीनेटर क्रिस वॉन हेले ने प्रस्तुत किया, जो इस सप्ताह कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के एक हिस्से के रूप में दिल्ली आए थे, जिस प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर की स्थिति के साथ साथ भारत US द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मोदी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील मामले को दबाने या खत्म करने के लिए हैरान करने वाला निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक विपक्षी नेता के खिलाफ पूरी तरह सफल सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी वजह से वह अपनी कुर्सी को सही सलामत रख सके। CBDT के चेयरमैन पर यह आरोप उन्हीं के विभाग की एक शीर्ष महिला अफसर अलका त्यागी ने लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6 से 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा पीएम मोदी और शेख हसीना ने 3 परियोजनाओं पर भी हस्ताक्षर किए। शेख हसीना तीस्ता जल बंटवारा और रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी भारत से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए हैं। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका और फरार हो गए। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी मैच में रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में भी शतक जड़ दिया है। रोहित 127 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उन्होंने पहली पारी में भी 176 रनों की पारी खेली थी। वहीं भारत इसके बाद मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। रोहित शर्मा ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने एक दिवसीय मैच में 16 छक्के, T20 के एक मैच में 10 छक्के तो टेस्ट मैच में भी 10 छक्के जड़ दिए हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।